स्थानीय रामनगर में पानी की निकासी न होने के कारण लोग काफी परेशान हैं। गलियों में सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्थानीय निवासियों ने कहा कि पिछले कई महीनों से यह परेशानी वैसी की वैसी ही है। प्रशासन से शिकायत करने पर इनकी समस्या का कोई हल नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि गंदा पानी खड़ा होने की वजह से कई तरह की बीमारियां मोहल्ले में फैल रही हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल किया जाए। इतने हर टाइम पानी खड़ा रहता है, बच्चे भी लंघते हैं। साढ़े बच्चों में इन्नी परेशानी है, कोई इतने सुनाई नहीं हैगी, कोई हल नहीं है। साढ़े बच्चे भी बीमार ने, पानी इन्ना गंदा, सीवर का पानी इतने जमा ही रहा, पीने भी गंदा पानी, कोई सुनाई नहीं है, कोई हल नहीं है। कोई हल होना चाहिए, दसो असं की करिए। असं बहुत बार कह बैठे हाँ, बहुत बार इन्हों रामनगर च रहिंदे आ। साडा स्कूल फ्लोर पब्लिक स्कूल, असीं जो सवेरे इत्थों आउंदे आ तां साडे कपड़े बूट वगैरा सब कुछ गंदे हुंदे। हफ्ता हो गया सानू काफी पानी खड़ा, तुसीं देख ही सकदे इन्ना पानी खड़ा। सानू बहुत परेशानी हुंदी पई आ जी।